गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन पार्ट 19, सोने की खान। यह पार्ट एक एकांकी है। इसमें दो पात्र हैं, रामा और साधु है। रामा भाग के भरोसे हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता और दुखी रहता। साधु उसे मेहनत का महत्व समझाते हैं। इस पार्ट में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो बच्चों आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक आश्रम का दृश्य। वहाँ एक साधु और उसके शिष्य रहते हैं। सभी अपने अपने काम में लगे हैं। एक दिन रामा नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। रामा, प्रवेश कर। महाराज, प्रणाम। साधु, आओ रामा, कहो घर में कुशल तो है? रामा, अब क्या बताऊं महाराज? साधु, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। रामा, घर में खाने को अन्न तक नहीं है, भूखों मरने की नौबत आ गई है। साधु, क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते? रामा, महाराज सब भाग्य का खेल है, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। साधु, रामा इतना परेशान मत हो, दो तीन दिन बाद आना, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। रामा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। 3 दिन बाद रामा पुनः आश्रम में आता है। रामा, महाराज प्रणाम। साधु, आओ रामा, तुम तो वचन के पक्के निकले। रामा, महाराज मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताएं। साधु, हाँ हाँ जरूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम कर दो। रामा, भला मैं क्या कर सकता हूँ? साधु, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है, यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं, यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। रामा, जैसी आपकी आज्ञा, पर फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे ना? साधु, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। रामा, ठीक है महाराज, लाइए एक फावड़ा। साधु, सब प्रबंध है, कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक रामा को एक घड़ा दिखाई देता है, वह उसे उठाकर साधु के पास ले आता है। रामा, घड़ा रखते हुए, महाराज कुएं में ये घड़ा निकला है, सॉरी महाराज कुएं से ये घड़ा निकला है। साधु, रामा इस घड़े का मुंह तो खोलो। रामा, जी महाराज। रामा घड़े का मुंह खोलता है, वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। महाराज, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। साधु, नहीं रामा, ये तुम्हारे परिश्रम का फल है, इन पर तुम्हारा ही अधिकार है। रामा, यह तो आपकी कृपा है। साधु, नहीं रामा, भाग बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है। रामा साधु के चरणों में लेट जाता है। रामा, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है, अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। साधु, जाओ रामा, तुम्हारा कल्याण हो। रामा सिक्कों से भरा घड़ा लेकर लेकर चला जाता है। बच्चों, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।